गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू माई चैनल माई लाइफ किंग साइज। आज मेरा व्लॉगिंग का डे 7 और हम जा रहे हैं लोकल आउटिंग में सैमी में और मेरी वाइफ। सैमी, आर यू रेडी? आपको याद होगा मेरी लास्ट वीडियो में मैं सैमी से गेम में हारा था और शर्त के हिसाब से मुझे लेके जाना था उसका आउटिंग में। तो हम गए थे एक छोटे से डाइन आउट के लिए, बट मैं शूट नहीं कर पाया और सैमी का मन है कि हम उस पर एक वीडियो बनाएं। तो हम जा रहे हैं शूटिंग में, आपको हम लेके चलेंगे ओल्ड राजपुर रोड पे और ओल्ड राजपुर में, और उसके बीच में अगर हमें कोई कैफ़े मिलेगा तो हम थोड़ा सा टाइम वहाँ पे बिताएंगे और कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो देखते हैं आज की शाम हमारी कैसी जाती है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। सैमी जल्दी चलो, लेट हो गए। अभी देर से वेट कर रहे हो? चलो हो गया रेडी, चलो। तो यार गेट भी तो लॉक करना है। चलो चलो चलो, मैंने कहा चलो चलो चलो, गेट भी तो बंद करना है यार। चलो सैमी, मम्मा चलो। तो देखते आप लोगों को हमारे साथ कितना एंजॉयमेंट होता है। तो मैं देखो कितना पानी आ रहा है ये रिस्पिना में। मैं एक फैक्ट बताऊं? हाँ, तुमने कुछ सीखा ना आज स्कूल में, तुम बता रही थी, बताओ बताओ। रास्ते में जाते जाते हाँ एक नया डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट यह है कि हमें मिला एक नया ड्राइवर, तो हमारा नया शॉपर ड्राइव कर रहा है और हम दोनों बैठे हैं रिलैक्स होके पीछे, खूब वीडियो शूट करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। ड्राइवर हमें डिस्टर्ब मत करना, आगे जाके हम दोबारा सनरूफ से बाहर निकलेंगे और आपको बताएंगे रास्ता कैसा है और हम आज कैसे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत फन होने वाला गाइस, सो स्टे ट्यून्ड। सैमी फन करने वाले हैं आज। चलो ठीक है गाइस, तो कनेक्टेड रहना। गाइस बहुत अच्छा लग रहा था बाहर आके, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया शूट करने से। अभी हम लोग हैं, ये रोड निकलती है साईं मंदिर में, मेरी वाइफ रेनू गाड़ी चला रही है। सैमी आप भी बाहर आ जाओ, बहुत मज़ा आ रहा है। तो हम लोग सनरूफ से निकले हैं बाहर, आ जाओ आप। सैमी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त जगह है यार, बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। आप पीछे देखो कार जब मैं फॉलो कर रही है, ड्राइवर हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग ढंग से गाड़ी चला रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम हो नहीं गई, हमारा ब्लॉग अच्छा बन रहा है। इसका क्रेडिट मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है ना। ओ वाओ, मून भी दिख रहा है यार, देखो दिख रहा है मून। हम पहुंच गए बिल्कुल राजपुर रोड पे, हमें यहाँ से लेना राइट। ड्राइवर प्लीज यहाँ से राइट लो। ये है हमारा इधर साईं मंदिर और राइट हम जाएंगे टुवर्ड्स राजपुर। बहुत सारे कैफे हैं, अभी हम उधर जाएंगे। तो गाइस हमने हिट कर लिया है मसूरी रोड, ओल्ड मसूरी रोड इनफैक्ट, और ये कोठाल गेट होके आपको लेके जाती है मसूरी। हम अभी द जीबा हाउस के पास खड़े हैं, रास्ते में हमें कुछ और कैफेज मिलेंगे, देखते हैं हमें कौन सा कैफ़े पसंद आता है। जहाँ अच्छा लगेगा हम वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और हम फिर वापस चले जाएंगे। लेट्स सी हमारी जर्नी कैसी होती है। तो गाइस ओल्ड मसूरी रोड चलते चलते मुझे कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया आप लोगों को दिखाने के लिए। पहाड़ी होते हुए मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है ये नाम, और गाइस नाम है
ये है पहाड़ी गाड़ी जहाँ पे आपको पहाड़ी कुजीन मिलता है। बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, हम कई बार गए हैं और बहुत ही अच्छा आपको ग्राउंड मिलेगा। कई बार तो हमें छोटे छोटे ट्रूप मिले हैं जो शाम भर गाते रहते हैं और बहुत ही अच्छा आपको म्यूज़िक सुनाएंगे और यू विल बी रियली इंटरेस्टिंग। तो गाइस चलो आगे और चलते हैं क्योंकि हम इस पर कई बार गए, तो वी विल ट्राई सम न्यू प्लेस। और ठंडी ठंडी हवा, ये सारी कैसा लग रहा है आपको? ग्रीनरी, फ्रेशनेस, बहुत अच्छी खुशबू, रात की रानी की खुशबू आ रही है अभी, बहुत अच्छा लग रहा है। मद्रास कैफे जॉन एब्राहिम आने वाला है अभी। तो गाइस रास्ते में हमें दिखा ये मचान, जगह तो इंटरेस्टिंग लग रही है बट सैमी को कुछ खास पसंद नहीं आई, तो हम ट्राई करेंगे कोई दूसरी जगह। तो गाइस चलते हैं आगे। ये है ब्यूटी इस जगह की यार, बहुत ही सुंदर जगह है ये, देखो कितने ट्रीज हैं, ऐसा लगता है पूरा कैनवस है ट्रीज का। वाव ये है द क्लाउड हाउस। ये है कोठाल गेट, पूरा सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग था, हमें काफ़ी इन्जॉयमेंट हो रही है, तो हम लोग टूवर्स थोड़ा सा मसूरी और जाएंगे और वहाँ से देहरादून का बहुत ही प्यारा व्यू आता है, तो उस व्यू पॉइंट में थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम वापसी में देखते हैं कि कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिलता है तो हम वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं सैमी आज खुश होती या नहीं। गाइस हमें एक ये रेस्टोरेंट या रिजॉर्ट सॉर्ट ऑफ कुछ मिला है, नया खुला है ये, सैमी को अच्छा लग रहा है। रेनू ऊपर लेंगे हम, ऊपर यू टर्न ले लो, इट्स अ कैफे आई बिलीव। काफी स्टीप है, एक्सट्रीम लेफ्ट लेना हमें, एक्सट्रीम लेफ्ट काफी चैलेंजिंग हो रहा है, से पूरा लेफ्ट पूरा लेफ्ट।
What is the name? Lamplighter. Lamplighter is the name. Sammy ने जैसे पढ़ा. चलो मैं कार पार्क करने में हेल्प करके. हमने कर ली है कार को पार्क. हम चलते हैं रेस्टोरेंट में और देखते हैं आज यहाँ खाना मिलता है क्या. गाइस फाइनली हम आ गए हैं. सैमी कैफे का नाम क्या है? लैम्पलाइट. और पीछे वाली वॉल का बैकग्राउंड का कलर मेरी शर्ट से हो रहा है बहुत सारा मैच. कुछ इस तरह से है ये रेस्टोरेंट. वैसे तो अच्छा लग रहा है देखते खाना कैसा है. मैं पहली बार आ रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट. देखते हैं कि हम इसमें इंजॉय करते हैं या नहीं. सैमी बहुत एक्साइटेड है. सैमी अभी एक्साइटेड. गाइज हमने ले लिया है आउट सेटिंग. अंदर म्यूजिक था काफ़ी लाउड, हमें मज़ा नहीं आ रहा था. बाहर बहुत सीनिक है, बहुत ही काम और बहुत ही सीरीन है. और यहाँ पे एक स्विंग लगा है पीछे. सैमी को वहाँ पे जाने का मन है लेकिन डरपोक है, डर जानी रही है. तो मैं जा रहा हूँ उसके साथ उसको स्विंग कराने. आओ सैमी. हाँ आ जाओ. बहुत डरती है यार. नहीं सैमी कुछ होगा तो मुझे बचा लेना. सैमी का बर्गर आ गया. उसे बहुत भूख लग रही है. वो किसी से शेयर नहीं करने वाली है. हमारा खाना अभी प्रोसेस में. तो गाइस हमें करना पड़ेगा वेट. तब तक सैमी के हम खा लेते हैं. ये क्रिस्पी से कुछ है क्या ये? टोमेटो चीज और फ्रेंच फ्राइज जो भी है. हाँ खास तो दिख नहीं रहा. बट आपका बर्गर कैसा था? चलो खाओ फिर आप. गाइस हम आ गए हैं रेस्टोरेंट से बाहर. सॉरी मैं वीडियो शूट कर नहीं पाया. नया ब्लॉगर तो भूल गया था करना. भूख बहुत लगी थी लेकिन खाना बहुत अच्छा था. हमने मंगाए थे देहरादून की स्पेशलिटी मोमो और था कौन सा चिकन था भूल गया. एक आइटम चिकन की थी और सैमी ने खाया बर्गर. और अब हम चल रहे हैं वापस कार पार्किंग की तरफ और जा रहे हैं घर. सो गाइस हम पहुंच गए वापस कैनाल रोड. अब ड्राइव कर रहा हूँ मैं. सैमी ने खाना काफ़ी अच्छे से खा लिया है. उसका पेट कुछ ज़्यादा ही फुल हो गया है तो सनरूफ से बाहर निकली भी है. नहीं रुको रुको उसको शायद हो रहा है क्योंकि नहीं नहीं ज़्यादा नहीं खाया, नॉर्मल खाया. और अरे सो गाइस हम वापस आ गए हैं घर. सैमी को काफ़ी अच्छा लगा. फूड वॉज नाइस. कल है सैमी का स्कूल तो हमें अब करना है जल्दी जल्दी रेस्ट. आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी. आप लोग अपना सजेशन सब मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं. मुझे बहुत सारे कमेंट्स और सजेशन आते रहते हैं. सभी व्यूअर्स और मेरे फ्रेंड्स को उस चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू. आगे भी इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहूँगा सो दैट मैं आपको एंटरटेन करता रहूँ. अभी के लिए गाइस थैंक यू एंड गुड नाइट. टेक केयर.